आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, टुडे द क्वेश्चन दैट वी आर हैविंग इज रिलेटेड टू अ पैसेज। सो व्हेनेवर सम पैसेज अराइजेस, फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन एंड इट्स फोर ऑप्शंस। सो द क्वेश्चन इज, व्हाट डिड द बॉय नॉट वियर? ओके, सो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, what the boy not wear, नहीं पहना था उसने। इन चार ऑप्शन में से क्या चीज ऐसी है जो उसने नहीं पहनी थी? सो नाउ विल रीड द ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन इज स्कार्फ, सेकेंड ऑप्शन इज अ कैप, थर्ड ऑप्शन इज एन ओवर कोट एंड फोर्थ ऑप्शन इज अ ब्लेजर। ओके, सो विल गेट टू नो and its answer when we will read the passage. So now we will start reading the passage. It was a full moon's night. Full moon's night yani ki purnima ki raat thi. Bright moonlight flooded the road. Ab road pe jo hai puri ki tarah se moon ki, full moon thousand, to moon ki jo light hai puri ki puri road par aa rahi. Okay, I was walking slowly, यानी कि कोई है जो रोड पर चल रहा था धीरे धीरे, ठीक है। सडनली आई हर्ड अ विस्लिंग साउंड, वो इंसान क्या सुनता है? विस्लिंग साउंड सुनता है, यानी कि सीटी बजाने की आवाज सुनता है। एट फर्स्ट आई थॉट इट वॉज अनदर लेट इवनिंग स्ट्रॉलर लाइक मी, वो कहता है कि पहले मैंने सोचा कि मेरी तरह कोई लेट नाइट स्ट्रॉलर है। स्ट्रॉलर का क्या मतलब होता है? वेगाबोंड। ओके, वेगाबोंड, या फिर अगर हम हिंदी में बोलें तो इसका मतलब होता है घुमक्कड़, है ना, घुमक्कड़ प्रवृत्ति का इंसान, यानी कि जिसको घूमना फिरना पसंद है, दैट इज वेगाबोंड और घुमक्कड़ और स्ट्रॉलर। यानी उसको लगता है कि मेरी तरह ही कोई दूसरा स्ट्रॉलर है जो कि घूम रहा है। द साउंड वॉज लाउड एंड चीयरफुल, साउंड कैसी थी? लाउड थी और चीयरफुल थी। ओके, सडनली एकदम से क्या होता है? अ बॉय ऑन अ साइकिल स्पेड पास्ट मी, एक जो लड़का है वो किस में आता है? बाइसाइकिल में, है ना, स्पेड पास्ट मी। पास्ट मी यानी कि वो मेरे आगे जाता है, वो कह रहा है वो मेरे आगे गया, तेजी से मेरे आगे आगे निकला। आई कुड नॉट सी हिज फेस, मैं उसका फेस जो है वो नहीं देख पाया। After a few minutes, he was back again. वो चला गया और कुछ समय बाद वो फिर वापस आया। This time he stopped a few feet away from me and gave me a smile. वो कह रहा है लेकिन इस time वो मुझसे कुछ फीट की दूरी पर जो है खड़ा हुआ, bicycle उसने रोकी और वहां खड़े होकर उसने क्या किया? Smile करता है वो, है ना, मुझे देखकर smile कर रहा है। I looked like a he looked like a slim boy. वो कैसा दिख रहा है? एक दुबला पतला सा लड़का, एक slim boy की जैसे वो दिख रहा है। Okay, slim boy करीब कितने वर्षों का? करीब 14 वर्षों का या फिर 14 years old. He wore a school blazer. यानी कि उसने क्या पहना है? उसने school blazer पहना हुआ है। इस चीज को अपने एकदम ध्यान में रखिए, school blazer. ओके, अ कैप एंड अ स्कार्फ। ओके, और क्या पहना है? कैप एंड स्कार्फ। ओके, हिज आईज वर ब्राइट एंड कूल लाइक मूनलाइट, मूनलाइट की तरह जो है उसकी जो आंखें हैं वो बहुत ही ज्यादा ब्राइट है और बहुत ही ठंडी, मतलब कूल टाइप की हैं। यू डोंट हैव अ बेल ऑन योर साइकिल, वो उसको बोलता है कि क्या तुम्हारी साइकिल में, क्या तुम्हारे बाइसाइकिल में बेल नहीं है, घंटी नहीं है? He said nothing. वो बच्चा कुछ नहीं बोलता है। I put out my hand, but he did not take it. मैंने अपना हाथ बाहर निकाला, maybe to shake hand, लेकिन उसने नहीं मिलाया हाथ, okay? या उसने नहीं लिया वो हाथ।
देन क्वाइट सडनली ही स्पेड पास्ट अगेन. उसके बाद वो दोबारा से जो है आगे चला गया. द नेक्स्ट डे आई लर्न दैट, नेक्स्ट डे उसको क्या पता लगता है, दैट विस्लिंग बॉय वॉज अ घोस्ट. यानी कि जो वो लड़का था बाइसिकल वाला जो उसको रात में मिला था, ही वॉज अ घोस्ट. हाउ स्कैर इट इज. हाँ, सो नाउ विल अगेन रीड द ऑल ऑफ द फोर ऑप्शन. वन वॉज कार, वेर वॉज दैट लाइन हियर, ही वोर अ स्कूल ब्लेजर कैप एंड अ स्कार्फ. यस, उसने कैप पहन उसने स्कार्फ पहना था, कैप पहनी थी, स्कूल ब्लेजर पहना था, ओवर कोट की कहीं बात नहीं है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ओवर कोट, बिकॉज हमसे पूछा गया बॉय नॉट वियर, यानी कि उसने नहीं पहना था, तो उसने एक ओवर कोट नहीं पहना था. सो सी इज द राइट ऑप्शन. क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा. आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर.